बारिश नहीं हो रही है, लेकिन इन बादलों जो में जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर धीरे धीरे हेलमेट पे जमा हो जा रहा है, उसके वजह से ड्रॉप ड्रॉप करके क्या है कि हेलमेट से पानी चू रहा है ऊपर से। मोस्ट प्रॉब्ली बाइक पे ही है। बाप रे बाप, पिछले 1.5 घंटे से बाइक में ही है और कोई टच नहीं किया भाई, ये आप देख सकते हो। वाह, सोचिए खुली बाइक किसी को दिया गया है ले जाने के लिए, वो नहीं ले जा रहा है। रवांगला का मार्केट और सामने जो तिराहा दिख रहा है उसी तिराहा पे कल हम लोग रुके थे और होम स्टे के लिए सर्च कर रहे थे। भाई कोई बता नहीं पाया कि यहाँ होम स्टे, बोला कि यार होम स्टे क्या होता है, होम स्टे इधर नहीं मिलता है, जबकि भर भर के हैं भाई। और यहाँ से हम लोग इधर राइट साइड से आए थे, अपने को चलना है कोई और साइड, पूछते हैं नामची थोड़ा आगे जाके राइट। पुलिस की सिक्योरिटी बहुत ज़बरदस्त लग रही है भाई। अभी हम लोग लगभग 5 किलोमीटर ही आए हैं वहाँ से रवांगला से, लेकिन अब 5 किलोमीटर तो रास्ता ख़राब था, अब रास्ता थोड़ा सा ठीक दिख रहा है, बीच बीच में पैचेज हैं, बीच बीच में बादल आ जा रहे हैं, तो जिससे जो विजिबिलिटी है वो कम हो जा रही है, लेकिन एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ जा रहा है। और ग्रीनरी इस रोड पर ज़्यादा है, जंगल इस रोड पर ज़्यादा है, और भीड़ भाई ना के बराबर है। ये देखो भाई कितना खूबसूरत नज़ारा है, और बादलों के बीच बादल का फ्लो दिख रहा होगा आपको। और ये एक छोटा सा मकान, भाई रहने का मज़ा ऐसे मकानों पे आता है, पहाड़ों पे आप घूमने आओ तो ऐसे छोटा सा कोई होम स्टे मिल जाए वहाँ पर। और सामने देखो पूरे के पूरे जो है वो बादल दिख रहे हैं, और बड़े बड़े देवदार के पेड़, ये वाली फीलिंग अल्टीमेट भाई, ठंडियों में ऐसी फीलिंग जो है वो मिलती है, ये मानसून में ऐसा मिला। इसका मतलब कि हम लोग हाइट पे हैं और यहाँ पे कॉमर्शलाइजेशन कम है, नहीं तो नेचर जहाँ कॉमर्शलाइजेशन हो जाती है वहाँ नेचर ख़त्म हो जाता है। बारिश नहीं हो रही है, लेकिन इन बादलों जो में जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर धीरे धीरे हेलमेट पे जमा हो जा रहा है, उसके वजह से ड्रॉप ड्रॉप करके क्या है कि हेलमेट से पानी चू रहा है ऊपर से। तो मतलब वाइजर पे तो ऐसा नहीं आ रहा, एक आध बूंद ही आ रही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है हेलमेट के ऊपर से ड्रॉप ड्रॉप के फॉर्म में पानी नीचे आ रहा है। ये नज़ारे इतने खूबसूरत हैं कि यहाँ से किधर मुड़ना है, ये चेमचे जाएगा 1.4 किलोमीटर, और ये वाला राइट वाला जाएगा चेमचे। सो अपने को चलना है स्ट्रेट चेमचे। सो मैं क्या बात कर रहा था भाई, नज़ारे इतने ज़बरदस्त थे क्या हैं, थोड़ा सा डर लग रहा है कहीं बाइक स्किन न कर जाए किनारे उनारे पे, क्योंकि नमी की वजह से क्या है थोड़ी सी काई जम गई है। फिर मैं पूरा भूल गया मैं, ओह माय गॉड, कुछ दिखाई नहीं दे रहा यार, दिख रहे हो? ये देखो नीचे है बच्चों का प्लेग्राउंड, बच्चे वहाँ पे मैच खेल रहे हैं। सो ये वाला जो प्लेग्राउंड है ऐसा ठंडियों में अपने यहाँ देखने को मिलता है। सो मैं अपना जो मेन बात कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, बीच में कुछ ना कुछ बातें आ जा रही हैं। तो मैं ये कह रहा था कि मैंने जब से राइड अभी शुरू की है उसमें मैंने ब्लूटूथ में ऑडियो जो है ऑन करके कोई गाना वाना सुना ही नहीं, क्योंकि भाई इन वादियों में इतना मज़ा आ रहा है कि आपको कुछ सुनने समझने की ज़रूरत ही नहीं है, समझ रहे हो? ये है तो ये देखो लैंडस्लाइड वाला जोन, लैंडस्लाइड प्रोन जोन है, इसकी वजह से यहाँ पर सीमेंटेड कंस्ट्रक्शन भी हो गया है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी लैंडस्लाइड होता रहता है। रास्ता दो तरफ है, किधर जाना अपने को? नामची वो वाला, और ये वाला किधर जाएगा? ये रास्ता इधर किधर जाएगा? सिंगटाम गैंगटॉक, ये रूट जा रहा है गैंगटॉक, और अपने को चलना है राइट नामची की तरफ। मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग को इसी रूट से वापस आना पड़ेगा, लेकिन रूट
रास्ता बहुत बढ़िया लग रहा है। तो अगर इसी रूट से वापस आना है तो हम लोग को लग रहा है कि हम लोग दो ढाई घंटे में आराम से पहुंच जाएंगे। देखते हैं वहाँ पहुँच के ही पता चलेगा। फर्स्ट टाइम विजिटर हैं तो फिर सब कुछ जाने के बाद ही आइडिया लग रहा है, जाने के बाद, पूछने के बाद, गूगल करने के बाद। और भाई कुछ भी रास्ता देख रहे हो, कुछ भी ड्राइव स्लो, मैं फास्ट चलाऊंगा ही नहीं भाई, मज़ा आ रहा है यहीं चलाने का। फास्ट चलाने का तो सोचना ही मत, इतना खूबसूरत रास्ता, इतनी खूबसूरत वादियाँ, इतना खूबसूरत मौसम, और कहाँ मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। वहाँ से दो रूट है और लिखा क्या है यहाँ पे, नामची सीधे जाना है और डैम थांग पीछे जाना है। तो अपने को जाना है नामची। पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड नहीं यूज हुआ है इसमें। ये गाजर कैसे है? फोर्टी रुपीज़ क्या एक बंच? ये 40 रुपीस। इसको फिर क्लीन करना पड़ेगा, लेकिन दे दीजिए। बम्बू का इसको किस यूज में लेते हैं? 100 रुपीस है ये। नहीं, यूज क्या है इसका? इसका सब्जी बनता है। अच्छा, हाँ थोड़ा सॉफ्ट है ये। पिकल्स तो बनता है, पिकल्स तो पता है मुझे, पिकल्स भी बनता है, पिकल्स भी बनता है इसका। हाँ, स्क्वैश इसका क्या यूज है? ये भी सब्जी खाते हैं। सो वी आर एट जौबारी और यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर है नामची। और ये जगह कितनी खूबसूरत है आप अंदाज़ा लगा सकते हो भाई। यहाँ से देखो नामची 8 किलोमीटर है, कुछ गोला गोला बन गया, जीरो दिखा दिया। डैम थांग नीचे जाएगा और खोलागिरी 12 किलोमीटर जिसे हम लोग अभी आए हैं। जगह काफ़ी खूबसूरत है। सो अभी हेलमेट वाला निकाल के हम लोग सेल्फ वाला गोप्रो निकालते हैं। और ये बीट लिया गया 40 रुपये का, काफ़ी गंदा है लेकिन ऑर्गेनिक है, खाने पीने के लिए सही है, क्योंकि हेल्दी डाइट भाई इन रूट बहुत मुश्किल से मिलता है। चिकन जब देखो, चिकन चिकन चिकन। इसको रखने का जगह ढूंढते हैं यार, इसको अच्छे से धुल के खाना पड़ेगा। होटल ले चलते हैं, इसको धुलते हैं फिर खाएंगे। ओ नाइस। अपर जौबारी में थोड़ा सा लाउड बोलना पड़ रहा है क्योंकि मैं हेलमेट से शूट कर रहा हूँ और जो माइक है वो अंदर के साइड में है, तो बहुत क्लियर आवाज़ नहीं आ रही होगी। लेकिन जो यहाँ का मौसम है बहुत ही खूबसूरत है। और मेरे पीछे जो आप शेड देख रहे हैं ये वर्ल्ड बैंक फंडेड शेड है अपर जौबारी में। और यहाँ पे जो है बिल्कुल ऑर्गेनिक जो है आप सब्जियाँ और फ्रूट्स यहाँ पे ले सकते हैं। जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। नामची पहुँच गए हैं, लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर है, हम लोग ऊपर से आए हैं, 2 किलोमीटर नामची। और यहाँ से नीचे पूरा का पूरा जो है शहर वो दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे एंट्री करते ही अपने भाई लोग यहाँ पे मिल गए, व्लॉगर भाई। तो दे सर्व अस टी। हेलो भाई, क्या नाम है आपका? अशोक प्रधान। अच्छा, और यूट्यूब चैनल भी है आपका? ये लेकिन थोड़ा पैशन के लिए, प्रोफेशनल नहीं है। वो जब घूमते हैं ना, मेमोरीज के लिए ऑफर करता हूँ। रोड जो था भाई अभी रवांगला से लेकर नामची तक का अल्टीमेट था भाई, इससे बेहतर रोड क्या मिलेगा, खासकर पहाड़ों पे। और जो ब्यूटी थी रास्ते की, जो फॉग था, जो मौसम था, वो भी अल्टीमेट था। और शुरू के 5-6 किलोमीटर जो थे वो पैचेज थे, उसके बाद तो भी अल्ट्रा स्मूथ हो गया अपना पूरा का पूरा राइड। तो यहाँ पे थोड़ा सा चाय व पी के फिर चलते हैं आगे। ये पूरा का पूरा वाटरप्रूफ है, भीगने से कोई टेंशन नहीं। फॉक्स ब्रेड जिनका ट्रेडिशनल फूड है, आप मॉडर्न वाला फास्ट फूड भी बोल सकते हैं इसको, और चाय। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर और कांटेक्ट पे रहना। बंदे सिक्किम में राइडर थे भाई, और क्या मतलब, जैसे ही हम लोग कॉर्नर पे रुके वहाँ पे दो रास्ता था, तो पूछने के लिए बस रुका गया कि भाई जो किधर रास्ता जाएगा। तो दे इनवाइटेड अस कि भाई आओ इधर बैठो। गाड़ी उन्होंने अच्छे से साफ़ की, फोम लगाया। हम लोग एंट्री कर चुके हैं और बाइक यहाँ पे पार्क कर ली है। और बूंदाबांदी हो रही है, बूंदाबांदी क्या ठीक ठाक हो रही है बारिश, तो सब कुछ वैसे
पॉलीथीन में कवर्ड है, अपना ये टैंक बैग भी पॉलीथीन से कवर्ड है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है नहीं। और हेलमेट जो है हम लोग बाइक में ही लॉक कर दिए, और ये जो है इसका वाइजर खुला है तो पानी पूरा अंदर घुस जाएगा तो बैंड बच जाएगी, ऐसे रहेगा तो पानी नहीं घुसेगा। प्रसाद रिटर्न में लेना है कि जाते वक्त? रिटर्न में ले सकते हैं, जाना भी ले सकते हैं। क्या चार्ज है? 120 जी, एक पैकेट का। और एक पैकेट कितने, मतलब 18 पीस। चलिए रिटर्न में लेते हैं। कितना टिकट का कॉस्ट है सर? 50 पर पर्सन। ये जैकेट कहीं रखने का होगा क्या कुछ? थ्री स्टार में। अच्छा है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ घूमना मुश्किल है। 50 रुपीस का टिकट काउंटर, और जब आप एंट्री करेंगे तो एक रफ आपको मॉड्यूल मिल जाएगा कि कहाँ क्या है। सिक्किम के लोग खासकर मुझे बहुत अच्छे लगे, उनकी हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छी है, उनका जो बात करने का लहजा है, तरीका है, वो उसमें रिस्पेक्ट झलकती है, तो ऑटोमेटिक जो है आपके मन में भी उनके लिए रिस्पेक्ट आ जाता है। इस कॉपी आप बद्रीनाथ टेंपल, अभी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पेंटिंग उंटिंग का काम चल रहा है, उसको वास्तविक रूप देने का काम चल रहा है। दिस इज बद्रीनाथ धाम, दर्शन हो गए। अब दूसरा जो है वो है अपने सामने, भाई बारिश तो तेज हो गई यार, अंदर गए थे थोड़ा सुकून मिल रहा था, जगन्नाथ धाम। सो लेट्स गो टू जगन्नाथ धाम। ये वाला जो लाइनें टाइल्स पे बनी है ना, उसके वजह से फिसलन जो है कम हो रही है, लेकिन जैसे लाइनें ख़त्म हो जा रही हैं, मेरा फोकस भाई नीचे ही रहेगा पूरा, मत मानना, क्योंकि अगर नीचे नहीं देखेंगे तो गिर जाएंगे, तो हाथ पैर टूट जाएगा, तो वो भी अच्छा नहीं है। पूरा का पूरा जगन्नाथ धाम का मेन गेट दिखाते हैं फिर थोड़ा सा, भाग भी नहीं सकते इस बारिश में, भागेंगे तो फिसल के गिर जाएंगे, तो भले भीग रहे हैं लेकिन चलना आराम से ही है। पहले वाले मंदिर में पुजारी जी ने बोला कि कैमरा अलाउड नहीं है, इस वाले में बोला नहीं, आराम से आप कर सकते हैं। गेट भी बोला था कि बाकी अंदर से है जहाँ आप कर सकते हैं, जो मेन है इनका एंट्री पॉइंट एंट्रेंस, वहाँ पर नहीं कर सकते हैं। सो ये खूबसूरत नज़ारा, एक स्तूप पिलर और उसके पीछे जो है ये मंदिर। ये किस चीज़ का पेड़ है गुरु जी? ये थल कमल। थल कमल, थल कमल क्या होता है? थल कमल कमल की तरह खिलता है। ठंडी भी बढ़ गई है। रामेश्वरम धाम, मुझे अच्छा कॉन्सेप्ट लगा कि भाई हर बंदा जो है वो अपने धामों पे पहुंच नहीं पाता है, तो एटलीस्ट आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई बनावट कैसी है, भगवान किस रूप में वहाँ पे विराजमान है, तो जो मतलब नहीं जा पा रहा, खैर उसकी आस्था जो है वो बनी रहेगी। और भाई मैं जिस पोजीशन पे हूँ अभी, तो काफ़ी जो है फॉग है, धुंध है, तो इसकी वजह से दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसके अपोजिट जो सीन है वो अल्टीमेट है। ये यहाँ पे दिख रहा होगा भगवान शिव का एक बहुत बड़ा जो है वो मूर्ति है, और नज़दीक से हम लोग चलेंगे देखेंगे, और उसके पहले हम लोग घूम लेते हैं द्वारिका धाम में। नमस्ते गुरु जी। द्वारिका धाम, कैमरा नहीं लगा। ओह कहीं भी अगर आप पहाड़ पे आ रहे हो तो बहुत पैदल चलना पड़ता है यार, हर जगह आपको स्टेयर चढ़ना पड़ता है। सो फिटनेस इम्प्रूव करके आओ, मोटे तगड़े होके आओगे, चलने फिरने में दिक्कत होगी तो बैंड बच जाएगी। और ये साईं टेंपल, और उसके बगल में बहुत बड़ा जो है वो भगवान शिव का स्टैचू। अगर मौसम साफ रहता तो जो हम लोग का एंट्री गेट था वहाँ से ही भगवान शिव विशाल रूप में दिखाई देते। ये
87 फीट टॉल, 87 फुट, समझ रहे हो भाई क्या हाइट है। और हाइट के साथ विड्थ भी बहुत दिया गया, मतलब चौड़ाई भी इस मंदिर का, इस स्टैचू का बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि मतलब लंबा बनाने के चक्कर में एकदम सीधा सीधा लंबा कर दिया गया है। ऐसा नज़ारा कहाँ आपको मिलेगा कि एक ही जगह पे आपको चार धाम के दर्शन हो जाए, चारों धाम के दर्शन हो जाए, बारहों ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाए और भगवान शिव की विशाल प्रतिमा का दीदार करने को आपको मिल जाए। भगवान शिव की विशाल प्रतिमा, हाथ में डमरू, हाथ में त्रिशूल और जटा से निकलती माँ गंगा, दिल खुश हो जाएगा। तो इधर आ रहे हैं तो आप नामची आना ना भूलें, और नामची आ रहे हैं तो सिद्धेश्वर धाम आना मत भूलें। सिद्धेश्वर धाम फेमस है चार धाम के नाम से। और हम लोग अब निकल रहे हैं और यहाँ से निकलना हम लोग को गैंगटॉक के लिए। और कुछ जगह जो है, जैसे हम लोग चारों धाम में गए तो कुछ जगह जो है वो कैमरा नहीं ले जाने दे रहे थे, कुछ जगह अलाउ कर रहे थे कि आप कैमरा ले जा सकते हो। तो आप और एपी से हैं? तो यूपी से हूँ, लेकिन अरुणाचल भी विजिट किया हूँ। अरुणाचल मेरा ऐसे एक बैग था, उसमें पूरा पर्स था, कोई बाइक ख़राब हुई, दो तीन बंदे हेल्प करने के लिए आए और फिर लेके पूरा गायब हो गए वो, उसमें पूरा मेरा डॉक्यूमेंट था, सब कुछ गायब हो गया। हाँ, फिर वो एक महीने बाद वो फ़ोन किया, बोला कि आप 4,000 रुपये दे दो तो मैं कुरियर कर दूंगा। फिर मैंने बोला कि नहीं, मैं लोकल है, लोकल का इधर अरुणाचल में तवांग के रूट में। फिर उसको मैंने बोला कि नहीं होता है, मैंने बोला 1,000 तुझे मैं भेज रहा हूँ, तू कुरियर कर दे, बाकी पैसा मैं भेज दूंगा। 1,000 भेज दिया, फिर बोला कि नहीं तू 10,000 दे। फिर मैंने बोला तू मत भेज रहा, मैं दूसरा डॉक्यूमेंट बनवा दूँगा। फिर नहीं मंगाया, उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, रोज़ फ़ोन करता था। सर की जो बाइक की चाबी जो है मिसिंग है, और मोस्ट प्रॉब्ली बाइक पे ही है। बाप रे बाप, पिछले 1.5 घंटे से बाइक में ही है और कोई टच नहीं किया भाई, ये आप देख सकते हो। वाह, सोचिए खुली बाइक किसी को दिया गया है ले जाने के लिए, वो नहीं ले जा रहा है।